सो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम बैंक निफ्टी की कंप्लीट ऐसे वीडियो आप सभी के बीच लाए हैं जो कि कल के लिए होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कल मंगलवार है और ट्यूसडे, ट्यूसडे मींस आज मंडे था और मंडे के बाद ट्यूसडे 17 जनवरी। कल क्या मोमेंटम हो सकता है बैंक निफ्टी में? आज आई होप आप सभी ने मार्केट की एक गिरावट देखने को मिली है आपको, बुल ट्रेंड में जाने के बाद में, गैप अप ओपनिंग कराने के बाद में भी मार्केट जो है लगातार गिरावट करी है। अब कहां तक गिरावट करी, कैसे करी है, क्या फिर से यही गिरावट कल भी आपको देखने को मिलेगी? मंगलवार के लिए मोस्ट वीडियो होने वाली है, इसलिए कंप्लीट बने रहेगा, स्किप जरा सा भी मत कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी को चार्ट पे लेके चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आप सभी को चार्ट पे लेके आए हैं और कंप्लीट लेवल बताने के साथ साथ आप सभी को एक चीज भी यहाँ पे हम आप सभी से बताना चाहते हैं, और वो है कि मैं यहाँ पे इसी चैनल के माध्यम से डेली 12 बजे के आसपास में लाइव आता हूँ। तो अगर लाइव ट्रेडिंग आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइव जरूर, आप सभी लाइव ट्रेडिंग जरूर जुड़े। हालांकि यहाँ पे जो एनालिसिस वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ, एनालिसिस वीडियो की जो एक्यूरेसी होती है वो 90%+ होती है। आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं निफ्टी बैंक एनालिसिस के, एंड देन उसके बाद में मार्केट का मोमेंटम देख सकते हैं, या फिर हमारे साथ 2-4 दिन 6 दिन बन के रह के जुड़ के देखिए। आप सभी को पूरा भरोसा तब भी हो जाएगा। देखिए, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पे 2-4 दिन 6 दिन ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, देन उसके बाद आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन लाइव ट्रेडिंग में जुड़ने के लिए आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना होगा, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो लाइव की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी और आप फिर लाइव सेशन में जुड़ नहीं पाएंगे। खैर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं लिंक वगैरह शेयर कर दिया करता हूं और पर्टिकुलर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स भी पोस्ट किया करता हूं, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस के साथ साथ। आप सभी लोग चैनल विजिट करके देख सकते हैं। बस हिदायत एक है कि फेक टेलीग्राम चैनल से मत जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी लिंक पे क्लिक करके अगर आप ज्वाइन होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, तभी ओरिजिनल वाला है। हमारा कोई प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ना ही कोई पेड प्रीमियम ग्रुप है, व्हाट्सअप वगैरह कोई पेड प्रीमियम नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी को मैं एक हिदायत ये देना चाहता हूँ कि किसी फेक ग्रुप के चक्कर में पड़ के मेरे नाम से किसी को कोई भी पैसा मत देना। यहाँ पे सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भाई आपकी सेवा में उपस्थित रहता है, इसलिए किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए, अगर आज के सेशन में आज आप जुड़े होते तो यहाँ पे देखिए, मैं जो है लाइव बताया करता हूँ कि चार्ट बनने से पहले आप सभी को बताया करता हूँ कि क्या मोमेंटम हो सकता है, कौन कौन से लेवल को क्रॉस कर सकती है। देखिए, बैंक निफ्टी का जो मैंने व्यू बताया था, मैंने गैप अप के लिए बताया था, पिछली वीडियो देख सकते हैं, 2 वीडियो हमने बनाई थी बैंक निफ्टी एनालिसिस की और गैप अप डाउन की, जिसमें हमने बताया था कि 65% गैप अप के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये गैप अप ओपनिंग कराती है और गैप अप ओपनिंग कहाँ पे कराती है, 42,700 के आसपास में कराती है। और ये लेवल मेरे दोस्त, मैंने पिछली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तो 43,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज यहीं से मार्केट नीचे आएगी। ये मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था और आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मार्केट लगातार नीचे आई है। ऐसा नीचे आएगी किन किन रास्तों से होके आएगी, ये भी मैंने बताया था आप सभी को। वीडियो इसीलिए मोस्ट होती है, वीडियोस देखकर बहुत सारे लोग प्रॉफिट कर लेते हैं। आई होप आप भी अगर वीडियो देखेंगे 2-4 दिन 6 दिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे, समझ में आने लगेंगे, डेफिनेटली आप भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, विद इन आवर्स हम आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। कोई सजेशन होता है फिर भी आप ड्रॉप कर दीजिएगा, आप सभी के सजेशंस का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। उम्मीद है आप सभी मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। खैर चलिए, मैं आज जो लाइव खत्म होते होते मैंने आप सभी को जो लेवल प्रोवाइड कराया था, मतलब लेवल क्या, मेरा जो व्यू मैंने अपना व्यू जो शेयर किया हुआ था आप सभी के साथ, तो यहाँ पे देखिए ना, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मार्केट जो है नीचे इतने पॉइंट्स पे आई है और आने के बाद में मेरा जो टारगेट था 42,000 का, हालांकि ये हिट नहीं किया है। देखिए, यहाँ पे ये नहीं है कि मैं सिर्फ आप सभी को पॉजिटिव ये बड़े बड़े सपने दिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई से भी रूबरू कराना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व तो बनता है कि अगर हम वीडियो या एनालिसिस वीडियो या आप सभी के साथ जुड़े हैं तो सच्चाई से भी रूबरू कराना हमारा फर्ज बनता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सभी को आप सभी से सिर्फ यही कहें अरे मैं तो महाराजा हूँ शेयर मार्केट का, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, छोटा ट्रेडर हूँ और आप सभी के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, लाइव ट्रेडिंग आप सभी के साथ कुछ सीखने को मिलता है, हम भी आपको भी कुछ सीखने को मिलता है। तो लाइव ट्रेडिंग सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये इसको क्रॉस कर देता ऊपर की साइड में, तो मैंने लाइव सेशन एंड करते करते मैंने बताया था कि आप ये लेवल जो है
ऊपर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज यहाँ से देखिए एसएल बिना हिट किए हुए नीचे की तरफ आ रहा है, वो अलग की बात है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, लेकिन मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट पे ही क्लोज हुई है। तो हो सकता है यहाँ से फिर से रिटेस्ट करने गई हो और फिर से कल गैप डाउन ओपनिंग करा दे या फ्लैट करा दे और यहाँ पे आपको लेवल देखने को मिल जाए। यही गिरावट कल भी आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लेवल्स मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, वो लेवल्स आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा सही ढंग से। सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 मिनट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सभी को समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैंडल्स भी बड़ी बड़ी दिखेंगी। ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, कल लाइव सेशन में जुड़ेंगे तो फिर देखा जाएगा। ये है सप्लाई एरिया, यहाँ से सप्लाई हो सकती थी, मैंने आप सभी को बताया था। और यहाँ से देखिए कि कितनी बड़ी सेलिंग यहाँ से आई है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मतलब करीब 42,400 से 42,000 करीब 300 पॉइंट का मोमेंटम सीधे डाउन साइड में आपने कैप्चर किया हमारे साथ। तो चलिए प्रॉफिट लॉस तो ये है, एक पार्ट है शेयर मार्केट का, तो प्रॉफिट लॉस तो चला ही करते हैं, बशर्ते हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना प्रॉफिट करते हैं कितना लॉस करते हैं। अगर लॉस ज़्यादा करेंगे प्रॉफिट कम करेंगे, अगर लॉस ज़्यादा करेंगे प्रॉफिट कम करेंगे तब तो हमें ओवरऑल लॉस ही होगा, फिर मेरी कैपिटल भी चली जाएगी। अदरवाइज लॉस अगर हम बुक करते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस, तो हम प्रॉफिट भी बुक करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने का प्रयास करें हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑप्शंस बायर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने का प्रयास करें, छोटे छोटे लॉस भी लेते रहें तो कोई दिक्कत फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। चलिए अब हम कल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट जहाँ पे आके रुकी है, सबसे पहले यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आके आज आज मार्केट ने लो लगाया है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है, तो इसलिए इस लो पे हम इसे मार्क कर लेते हैं। और ये लेवल जो हो जाता है 42,070 का हो जाता है। कल को अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करती है, कल को ये लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हमें लेवल नीचे की साइड में कौन से देखने को मिलेंगे, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। फिर आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 41,800 का। आप कहेंगे सर इतना डाउन, इतना ही डाउन नहीं, मुझे 700 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। मेरा व्यू है कि अगर मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करती है और सस्टेन रहती है, उसके बाद नीचे आती है, इस लेवल में 62,000-62,070 पॉइंट में सस्टेन रहती है, उसके बाद नीचे आती है, तो फिर 41,700 का यानी कि 41,700 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा था कि ये गिरावट कल भी देखने को मिल सकती है, बशर्ते वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीज़ें हम आप सभी को समझाने वाले हैं। ऊपर जाए या फिर नीचे, हम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कॉल और पुट दोनों में प्रॉफिट बनाना हमें जानना चाहिए, नहीं जानते हैं तो हम सारी चीज़ें सिखाएंगे, बशर्ते बने रहिएगा वीडियो में। चलिए देखिए ये लेवल हो जाता है हमारा 42,070 का, 42,070 का ये मुझे सपोर्ट देखने को मिल रहा है बाइक साइड में, ठीक है। अगर मैं इसे राउंड फिगर करना चाहूँ तो 42,000 कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा अभी मैं बता रहा हूँ। ये लेवल एक स्ट्रांग सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है, कल को अगर ये लेवल ब्रेक करता है गैप डाउन हो जाती है। चीज़ों को समझ लीजिएगा, मेरी बातों को समझ लीजिएगा आप सभी लोग, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और कैसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये मैं नीचे ले आता हूँ, ये वाला लेवल मुझे ये देखने को मिल रहा है डाउन साइड में, ठीक है। अब पहले हम डाउन साइड के लेवल नोट कर लेते हैं, फिर जो है अप साइड के लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे। कल को मार्केट इसके ऊपर अगर ओपनिंग करा देती, फ्लैट ओपनिंग कराती और इसके ऊपर ही ट्रेड करती रहती है, तब तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर के लेवल्स मुझे रिकवरी देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर नहीं जाती है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है, 42,070 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो सीधा मुझे लेवल जो देखने को मिलेगा डाउन साइड में 41,700 का देखने को मिलेगा, ये नोट कर लीजिए। लेकिन लेकिन इसके बीच बीच में अगर हम मान के चलो 42,070 पे मैंने पुट की एंट्री बना ली यहाँ पे, तो पुट की एंट्री बना ली तो डायरेक्ट हम 41,700 के लिए नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आने में मेरा प्रीमियम जो डिके होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। इसलिए अगर 100 पॉइंट मिल रहे हैं, मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर नीचे जाती है, फिर मुझे बाई करना है, एंड देन उसके बाद फिर मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है, तो छोटे छोटे 100-100 पॉइंट के प्रॉफिट अगर हम लेते रहेंगे, मूवमेंट कैप्चर करते रहेंगे, तो मैं एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर पाऊंगा। अदरवाइज हमारी साइकोलॉजी ही ऐसी नहीं है कि हम जो है बड़े मूवमेंट कैप्चर कर पाएँ। तो इसलिए ये एक साइकोलॉजी बना के रखो कि 42,070 पे अगर हमने जो है यहाँ पे 20 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है कैंडल, तो हमने पुट बाई करा है, तो अगर 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है तो हम धीरे से बुक कर लेंगे, ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते रहेंगे तो भी हम ये मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं,
ठीक है, तो हो सकता है मार्केट जो है छोटे छोटे सपोर्ट को लेके ऊपर की तरफ चली जाए। यहाँ पे जो मैं मुझे छोटा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो मुझे इस एरिया पे दिख रहा है, और वो एरिया है 41,900 का, 41,900 का एरिया है। तो इस एरिया पे मुझे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो डाउन साइड के जो हमारे टारगेट देखने को मिल रहे हैं वो है 42,070 के नीचे से, ठीक है, फिर मुझे 41,900 का लेवल मिलेगा, देन उसके बाद में 41,700 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये डाउन साइड हो गए। इन केस ऊपर ही मार्केट ट्रेड किया करती, ऊपर ही मार्केट ट्रेड, ये सबसे पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट, ये हमारा एस एल पॉइंट हो जाता है, समझ लीजिए। अगर इसके ऊपर ही मार्केट ओपन रहती है, इसके ऊपर ही रहती है, तो फिर हमें कौन से लेवल देखने को मिलेंगे, बात कर लेते हैं। अगर अभी जो क्लोजिंग है 42,161 पे है, अगर इसी के आसपास में फ्लैट ओपनिंग करा देती है, फ्लैट ओपनिंग करा देती है और इसी के आसपास में ट्रेड करती रहती है, इस लेवल को 15-20 मिनट 30 मिनट तक ब्रेक नहीं कर पाती है, तो मार्केट का जो अगला टारगेट होगा ऊपर की साइड में, वो यही टारगेट होगा जो आज का ये स्विंग हाई बना हुआ है। और ये स्विंग हाई कितने पे है, ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जैक्ट लेवल भी यहाँ पे हम लगा देते हैं, 450, ठीक है, ये 42,450 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। बैकएंड में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सेलिंग जोन देखा हुआ है, ऑप्शन चेन डेटा का जो बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर है उन सब के अकॉर्डिंग, पीसीआर वैल्यू के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें देख लें के बाद में ये वीडियोस मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं प्राइजेक्शन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए हमारे वीडियोज़ की या फिर एनालिसिस वीडियोज़ की जो एक्यूरेसी होती है वो 90% बरकरार रहती है। आप हमारे साथ रहेंगे, आप भी समझ जाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 42,450 का टारगेट मिलेगा कब, जब 42,100 के ऊपर रहती है मार्केट, 42,100 के ऊपर मार्केट रहती है तो हमें ये लेवल देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब 42,070 से 100 के बीच में मुझे कोई ट्रेड नहीं करनी है। अगर यहाँ पे आप लेना चाहें तो इन कैंडल्स के बीच में मुझे अगर कोई फ्लैट मूवमेंट दिख रहा है तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसका आप सभी लोग अपने चार्ट पे जो है लगा लीजिएगा एक रेक्टेंगल टूल, ठीक है। इस प्रकार से हम अगर यहाँ पे देखें, इस प्रकार से हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें जो है देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है अगला टारगेट देखने को मिलेगा 42,450 का, 42,450 का लेवल देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अब ये नहीं कि 42,450 के बाद में हमें दूसरा लेवल देखने को मिल जाए तुरंत, ऐसा नहीं है, हमें जो है ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है, वेट करना है, 42,500 का वेट करना है, 50 पॉइंट के बीच में वेट करना है। जब इस लेवल को ब्रेक करती है ऊपर की साइड में, जब इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, ठीक है, तो आपको 42,700 का ये टारगेट फिर से देखने को मिलेगा एक बार, मतलब 200 पॉइंट का ऊपर की तरफ मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगा एक बार, ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। और ये चीज आप सभी लोग नोट भी कर लीजिएगा कि 42,450 से और 500 के बीच में वेट करना है, अदरवाइज 500 से फिर से नीचे की तरफ नीचे आ सकती है, क्योंकि ये एक हमारा सेलिंग एरिया है, कई बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है, तो हो सकता है इस एरिया में आने के बाद में फिर से रेजिस्टेंस ले। तो इस चीज़ को ठीक से समझ लीजिएगा, और जब 42,700 के लेवल को ब्रेक करेगी तो मैं आप सभी के साथ लाइव रहूंगा, आप सभी को बताऊंगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे आप सभी लोग तो वहां पर भी अपडेट दे दिया करूंगा आप सभी को। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, आप सभी ने लेवल भी नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं समझ में आया दो बार देख लीजिएगा। अपने भाई पे इसी प्रकार की दया बना के रखिएगा, कृपा बना के रखिएगा, हमारे साथ रहेंगे तो आप हमारी फैमिली में हमेशा जुड़े रहिए, हमेशा वेलकम है, छोटा ट्रेडर परिवार के मेंबर्स हैं आप सभी लोग, और इस फैमिली को बढ़ाने में आप सभी का भी हाथ होना चाहिए, इसलिए चैनल को शेयर कीजिएगा और थम्सअप जरूर कर दीजिएगा, मतलब लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, एनालिसिस करने में मेहनत लगती है, आप सभी के साथ कंटिन्यू जुड़ा रहता हूँ, तो अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, लोगों में भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा लाइव सेशन जुड़ने के लिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।